जिला कांगड़ा के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चलवाड़ा के परिसर में शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत ढंग से शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने इस अवसर पर उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का आगाज किया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में ज्वालिक शिक्षा ब्लॉक के 26 स्कूलों के 422 छात्राएं भाग ले रही है। इस अवसर पर सभी स्कूलों के खिलाड़ियों ने अपने अपने स्कूल का झंडा लेकर मार्च पास्ट करके मुख्य अतिथि को सलामी दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक अर्जुन सिंह ने बच्चों शिष्टाचार पर अनुशासन का संदेश देते हुए कहा कि जो बच्चे अपने जीवन में संघर्ष व मेहनत करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार प्रदेश में शिक्षा व खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए हर स्कूल में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि हमारे राज्य के खिलाड़ी भी राष्ट्र स्तर पर अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। इस मौके पर उन्होंने स्कूल प्रशासन को टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। हमारी सरकार ने शिक्षा के लिए आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने इतनी घोषणाएं की है। मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक कर्मचारी से लेकर मजदूर से लेकर बेरदार से लेकर ऊपर तक, एक वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक, हर आदमी का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मान सम्मान बढ़ाया। बहुत सारी घोषणाएं हुई है। इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में खंड स्तर की शिक्षा का है, खेलों का शुभारंभ हुआ है। इसमें 26 पाठशालाओं से 421 बच्चे आए हैं। हमारी सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में खेल को भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी खेलों की दृष्टि से आगे बढ़ने चाहिए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और मैंने अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्री तरसेम जी को, जहाँ ऑब्जर्वर है श्री सुरेश जी, हमारी पंचायत के प्रधान है श्री BRC हमारे बालकृष्ण जी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इनको स्पष्ट कहा है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहने चाहिए, हमारी खेलें भी सफल रहनी चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है बच्चों का पूरी तरह से सफल हो, सुरक्षित हो और हमारे बच्चे खेलों की दृष्टि से जहाँ इस खंड से ही नहीं पूरे प्रदेश में आगे बढ़े, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।